नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रीमा दादा। आई एम अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एंड फैकल्टी इन चार्ज ऑफ मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक फैसिलिटी एंड ऑल्सो द प्रोफेसर इन चार्ज ऑफ द मीडिया सेल एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। एंड मैं पिछले 20 सालों से जो हमारा रिसर्च है वो फोकस कर रहा है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द रोल ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स इन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जैसे कि इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, ग्लूकोमा। और पिछले 15 सालों से हम ये स्टडी कर रहे हैं कि योगा का क्या असर है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल डिजीजेज में और योगा कैसे अफेक्ट करता है हमारे डीएनए को, हमारे जीनोम को और एपिजीनोम को। तो हमारी स्टडीज़ से हमें हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बढ़ गई हैं और इसका मेन कारण हमारा गलत रहन सहन है। एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक हमारी डाइट जिसमें हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड, अल्ट्रा रिफाइंड फूड खा रहे हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं जो बहुत रिच है ट्रांस फैट, सॉल्ट, शुगर में। ये कैलोरी डेंस फूड होता है जो बिल्कुल न्यूट्रिशन इनमें बहुत कम होती है, सो उसको न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड कैलोरी डेंस फूड कहते हैं और ये हाईली इन्फ्लेमेटरी होता है। और इस कारण और प्लस हमारा जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहल कंजम्पशन, हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मानसिक तनाव के कारण देखा गया है कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ गई हैं। जैसे बच्चों में ही अब ब्लड प्रेशर, मिडिल एज में हम स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, अल्जाइमर्स डिजीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो ये इनकी मात्रा बहुत बढ़ गई है और ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल से। इन एडिशन टू दैट हमारी स्टडीज़ ने अब फोकस किया है कि क्या योगा का इन पे असर होता है। तो ओवर द लास्ट 15 ईयर्स हम वी हैव बीन वर्किंग ऑन अनएक्सप्लेन मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, फिर हम ग्लूकोमा, प्राइमरी एंगल ओपन एंगल ग्लूकोमा पे काम कर रहे हैं, डिप्रेशन पे काम किया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और अब हमने स्टडी शुरू करी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे, डायबिटीज़ पे और अल्जाइमर्स डिजीज़ पे। और हमारे स्टडीज़ ने जैसे फॉर एग्जांपल मेल इनफर्टिलिटी पे ये दिखाया है, स्पेशली जो अनएक्सप्लेन मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है जिसका डायरेक्ट कोरिलेशन हमारे रहन सहन से है, स्पेशली ये स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, हाई इंटेक ऑफ यू नो ओबेसिटी, और इसका इस कोरिलेशन के कारण ये देखा गया है कि इन केसेस में स्पर्म में ऑक्सीडेटिव तनाव बहुत होता है। इवन लेट मैरिज देखा गया है जिसमें फादर की एज बहुत ज़्यादा हो तो उनमें भी देखा गया है कि जो जेनेटिक और एपिजेनेटिक डिजीजेस बढ़ जाती हैं, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ लाइफ, बट स्पर्म की क्वालिटी, जो डीएनए की क्वालिटी होता है उसमें डैमेज होता है और उसके बोथ न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में डैमेज पाया गया है जिसके कारण जेनेटिक और एपिजेनेटिक डिजीजेस की मात्रा बढ़ जाती है। और इसलिए होता है कि स्पर्म का जो डीएनए होता है उसमें बहुत डैमेज होता है और वो डैमेज मैनिफेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूटेशंस जिनको हम डी नोवो जर्म लाइन म्यूटेशंस कहते हैं। और ऑक्सीडेटिव तनाव इवन स्पर्म के एपिजीनोम को टारगेट करता है तो उससे क्या होता है कि जो स्पर्म की जो जीन एक्सप्रेशन है वो भी ऑल्टर हो जाता है और स्पर्म एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कई ये स्पर्म के जो आरएनए हैं वो भी ट्रांसफ़र होते हैं उस साइड पे। और ये देखा गया है कि जब इनकी मात्रा सही नहीं होती ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण तो ये देख फाइंड किया गया है कि कई जेनेटिक एपिजेनेटिक डिजीजेज होती हैं, बच्चे बार बार गिर जाते हैं जिनको हम रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस कहते हैं, कई बार कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस का भी ये कारण बताया गया है, फादर के एज के साथ देखा गया है कि ये बच्चे ज़्यादा गिरते हैं बार बार, कई बार लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाते हैं तो बार बार ये अगर रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है उसका भी ये कारण हो सकता है। और दूसरा ये देखा गया है कि इससे कई कॉम्प्लेक्स न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि ऑटिज़म है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट्स हैं, इनका डायरेक्ट कोरिलेशन देखा गया है विद एज ऑफ द फादर एज वेल एज विद द ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द स्पर्म।